हाय एवरीवन, सो आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। जब हम हमारी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हैं तब हम उसे फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट? सो उसी फॉर्मेटिंग में ये भी इंक्लूड होता है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट के लाइंस में कितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं और जो पैराग्राफ्स डॉक्यूमेंट में है उनके बीच कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये भी हमें सेट करना होता है, राइट? सो वो स्पेस हम सेट करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड को यूज करके। सो पहले हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग। एक पैराग्राफ की या फिर एक डॉक्यूमेंट की हर एक लाइन के बीच जो स्पेस रहती है उसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड एप्लीकेशन हमें हमारे पैराग्राफ या फिर हमारे डॉक्यूमेंट की लाइंस के बीच के स्पेसिंग को कस्टमाइज करने का चांस देता है कि हमें सिंगल लाइन जितनी स्पेसिंग क्रिएट करना है अपने लाइंस के बीच, या फिर डबल लाइंस जितनी स्पेसिंग क्रिएट करना है, या फिर कौन सा भी अमाउंट जो हमें चाहिए उतनी स्पेस हमें क्रिएट करना है, ये सब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और यह जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग रहती है वो है 1.08। सो यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसकी स्पेसिंग, इसकी लाइन स्पेसिंग जो डिफॉल्ट से है 1.08 वो ये है, और यहाँ पर है सिंगल स्पेस्ड जो कि सिंगल लाइन की स्पेस जितनी स्पेसिंग होती है इन लाइंस के बीच, और यहाँ पर है डबल स्पेस लाइन। आप इन्हें कंपेयर करके देख सकते हो कि यहाँ इस टेक्स्ट में कितनी लाइन की स्पेसिंग दी गई है। सो अब देखेंगे कि हम इन लाइंस के बीच स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। सो जो भी टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है उसे आप पहले सेलेक्ट करें। हम यहाँ इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करें, और अब यहाँ इस लिस्ट से जो भी स्पेसिंग आपको अपने लाइंस के लिए चाहिए उसे आप यहाँ पर से सेलेक्ट करें। तब आपके डॉक्यूमेंट की लाइन स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर इस लिस्ट से ही नहीं बल्कि हम यहाँ इस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके भी जितनी लाइन स्पेसिंग हमें एग्जैक्टली चाहिए उसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो उसके लिए अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में आकर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ अब हम क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पर। सो यहाँ हमें और भी ऑप्शंस मिलेंगे हमारी लाइन स्पेसिंग को कस्टमाइज करने के लिए। सो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, और आप यहाँ पर देखिए 1.08 जो डिफॉल्ट से हमारी लाइन स्पेसिंग रहती है हमारे पैराग्राफ की या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की, वो यहाँ पर है 1.08। और आप यहाँ देखिए, यहाँ लाइन स्पेसिंग, जब हम इस आरो पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है सिंगल, नेक्स्ट है 1.5 लाइंस, डबल स्पेसिंग, एट लीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। जैसे कि हम शुरुआत में कह रहे थे सिंगल स्पेस्ड या फिर डबल स्पेस्ड, वो यहाँ पर देख सकते हो आप इन ऑप्शंस में, सिंगल, डबल। सो अब हम ये तो देख चुके हैं डिफॉल्ट स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग एंड डबल लाइन स्पेसिंग। सो अब ये एग्जैक्टली क्या है, एटलीस्ट क्या है एंड मल्टीपल क्या है। सो पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली। सो जब हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तब हमारी लाइन स्पेसिंग मेजर होती है पॉइंट्स में। आप देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखिए पॉइंट, यहाँ पर 12 पॉइंट की जगह हम यहाँ 15 पॉइंट या फिर जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए अपने पैराग्राफ के लाइंस के बीच उसे आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे 15 पॉइंट तो यहाँ पर 15 पॉइंट जितनी लाइन स्पेसिंग क्रिएट होगी। सो जो भी स्पेसिंग आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और जो भी पॉइंट या फिर नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे उसकी प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ इस प्रीव्यू में हमारे लाइंस के बीच स्पेसिंग उतनी ही बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे एटलीस्ट। जैसे एग्जैक्टली अभी हम देखे हैं उसी तरह यहाँ एटलीस्ट भी है। जब यहाँ हम लाइन स्पेसिंग में एटलीस्ट चूज करते हैं, और यहाँ देखिए आप एट पर, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली की तरह पॉइंट एंटर करने का चांस दे रहा है। सो इसकी खास बात यह है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंट साइजेस के टेक्स्ट रहेंगे एक सेम लाइन में, तब वह स्पेसिंग एक्सपैंड होगी उस लार्ज टेक्स्ट को उस लाइन में फिट करने के लिए। सो नेक्स्ट है मल्टीपल। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब वह हमें नंबर एंटर करने का चांस देता है। सो जब हम एटलीस्ट और एग्जैक्टली सेलेक्ट कर रहे थे तब वहाँ पे पॉइंट एंटर करने का चांस दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल और यहाँ हम एंटर करते हैं 2.0, तब वह दो लाइंस जितनी स्पेस क्रिएट होगी अपने पैराग्राफ के लाइंस के बीच। सो ये थी लाइन स्पेसिंग। अब हम देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे कि हम हमारे पैराग्राफ के लाइंस के बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं, उसी तरह हम पैराग्राफ के ऊपर और पैराग्राफ के नीचे की स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यह पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को सेपरेट करने में यूज होता है। सो अब हम सीखेंगे कि हम पैराग्राफ स्पेसिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। सो जो भी पैराग्राफ या पैराग्राफ्स को आपको फॉर्मेट करना है आप उन पैराग्राफ या पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करें। सो हमें इन पैराग्राफ के ऊपर की स्पेस को थोड़ा इंक्रीज करना है,
ताकि वह पढ़ने में आसान हो। देन यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में आकर हम क्लिक करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर। आप देखें यहाँ टू ऑप्शन है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। सो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। सो आप देखिए यहाँ इन पैराग्राफ के ऊपर स्पेस क्रिएट हो चुकी है। सो इस तरह से हम पैराग्राफ स्पेसिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें और भी एग्जैक्टली से अपने पैराग्राफ के ऊपर या फिर अपने पैराग्राफ के बाद में की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए जो भी पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ्स के बीच आप स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हो उन्हें आप सेलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पर आकर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करें और यहाँ पर फिर क्लिक करें लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शंस पर। और आप यहाँ देखिए स्पेसिंग और यहाँ देखिए बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर से आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जितनी स्पेसिंग चाहिए यहाँ पॉइंट्स में आप उसे सेट कर सकते हो। सो इस तरह से हम और भी बारीकी से अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलाइनमेंट। थैंक यू।